किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में मैं आपको इफको के एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंसेक्टिसाइड सिंजेन प्लस के बारे में बताने वाला हूँ। किसान भाइयों, सिंजेन प्लस में फिप्रोनिल 5% SC नाम का केमिकल होता है जो कि कीड़ों को कंट्रोल करता है। किसान भाइयों, फिप्रोनिल 5% SC तना भेदक, पत्ती मोड़क, गौलमी, सफेद पीठ फुदका, भूरा पौध फुदका, हरी पत्ती फुदका, डायमंड बैक मौत, जड़ भेदक, अग्रिम तना भेदक, माहू, हरा तेला, सफेद मक्खी के साथ कई सुंडियों को कंट्रोल करता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं फिप्रोनिल 5% SC की। इसमें फिप्रोनिल 5% सोल्यूबल कंसेंट्रेट होता है। ये हाईली सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड होता है, साथ ही साथ ये कॉन्टैक्ट और स्टोमक पॉइजन इफेक्ट भी सोक करता है। यानी कि ये रस चूसने वाले कीड़ों के साथ साथ कैटरपिलर्स को भी कंट्रोल करता है, यानी कि जो चबाने वाले कीड़े होते हैं उन्हें भी ये कंट्रोल आसानी से कर लेता है। इसके प्रयोग से फसल को फाइटोटॉनिक असर देखने को मिलता है, जिससे फसल हरी भरी हो जाती है तथा उसकी ऊंचाई एवं बढ़वार ज्यादा होती है तथा फल फूल ज्यादा लगते हैं। इसके फलस्वरूप उत्पादन में वृद्धि देखने को मिलती है। अब बात करते हैं कि इस कीटनाशक का असर हमें कब से और कितने दिनों तक दिखाई देता है। तो इस कीट का प्रयोग करने से हमें तुरंत असर देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि ये एक सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड है। इसके प्रयोग से कीड़े तुरंत खाना पीना बंद कर देते हैं और 2 से 3 दिनों में मर जाते हैं, और इसका असर हमें काफी लंबे समय तक देखने को मिलता है। किसान भाइयों, अब बात करते हैं कि फिप्रोनिल का प्रयोग हम किन किन फसलों में कर सकते हैं। तो इसका प्रयोग हम मिर्च, फूल गोभी, पत्ता गोभी, धान, गन्ना, कपास जैसी फसलों में कर सकते हैं। किसान भाइयों, बात करते हैं इसकी डोज की। तो इसका स्प्रे करने के लिए सही डोज क्या होना चाहिए। तो अलग अलग फसलों के लिए इसका अलग अलग डोज होता है। जैसे कि धान, मिर्च और गोभी में अगर आपको स्प्रे करना है तो आपको फिप्रोनिल की 400 मिलीलीटर की मात्रा को 200 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करना है। अगर आपको गन्ना, कपास में स्प्रे करना है तो फिप्रोनिल की 800 ml की मात्रा को 200 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करना है।